हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू प्याज की भाजी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा आलू प्याज का जो भाजी है फ्रेंड्स, ये बनके तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। आलू प्याज भाजी बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने 250 ग्राम के आसपास प्याज, 250 ग्राम के आसपास आलू लिया है, दोनों लगभग बराबर मात्रा में, और उसे इस प्रकार से चॉप किया है, और 3 से 4 हरी मिर्च। अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और इसमें हम सरसों डालेंगे। सरसों हमने आधी चम्मच के आसपास प्रयोग किया है यहाँ पे फ्रेंड्स। आप यहाँ पे जीरा भी, खड़ा जीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों डाल सकते हैं। अब हम इसमें आलू डालेंगे। एक आलू को हमने 8 टुकड़ों में काटा था। तो आलू को हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम फिर इसमें हरी मिर्च डालेंगे। और हरी मिर्च डालने के बाद फ्रेंड्स, हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमने, एक प्याज को 4 भाग में काट के उसे, उसके सारे लेयर को हमने अलग कर दिया था। अब इसी तरह से हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो इसे कवर करके हम रख देंगे। ये बहुत ही जल्दी 15 से 20 मिनट में रेसिपी बन जाएगा फ्रेंड्स। तो इसे कवर करके पकाएंगे। एक बार कवर करेंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और इसे फिर बराबर चलाते रहेंगे। तो ये हमारा लगभग आधा पक चुका है फ्रेंड्स, हमारा ये आलू प्याज। अब हम इसमें, तो ये देखिए, ये लगभग हमारा 70 से 80% पक चुका है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपना टेस्ट के अनुसार डालेंगे। हल्दी यहाँ पे हमने आधी चम्मच के आसपास लिया है, और लाल मिर्च भी आधी चम्मच के आसपास, जीरा आधी चम्मच, और ये गरम मसाला आधी चम्मच से थोड़ी सी कम डालेंगे। और इन सारे मसाले को हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और मसाले डालने के बाद फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस मसाले डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो ये हमारा फाइनली आलू प्याज की भाजी बनके तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस सर्व के लिए तैयार है फ्रेंड्स, आलू प्याज की टेस्टी और मसालेदार भाजी। तो आप भी अपने घर पे बनाएं। जब आपके घरों में हरी सब्जियां ख़त्म हो जाए, तो इस प्रकार की रेसिपी का आप प्रयोग कर सकते हैं घर में, अपने घरों में, या कोई गेस्ट मेहमान आ गया हो तो उसके लिए ये रेसिपी बनाएं। तो देखिए, है ना फ्रेंड्स, ये देखने से ही टेस्टी लग रहा है। तो आप चाहें तो इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, या किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बार इस तरीके से आप रेसिपी को बनाएंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही मज़ा आएगा इसे खाने में।
और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।